मोदी सरकार को मिला जीत का फॉर्मूला। अब देश में आएगी नौकरियों की बाढ़, युवाओं को मिलेगा रोजगार। 26 मई 2014 वो तारीख है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, सबको साथ लेकर चलने की बात कही और एक सशक्त भारत का सपना दिखाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब तक के अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने तमाम क्षेत्रों में काम किया जिसका सटीक आकलन सिर्फ देश की जनता ही कर सकती है, लेकिन जहां बात रोजगार की आती है तो इस मामले में कहीं न कहीं सरकार मार खाती नजर आई है। अर्थशास्त्रियों की माने तो देश में आर्थिक विकास दर तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार के अवसरों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी उम्मीदें लगाई जा रही है। ऐसे में आईटी कंपनी इंफोसिस के कोफाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने मोदी सरकार को अगले दशक में नौकरी सृजन करने का ऐसा मंत्र दिया जिस पर अगर सरकार अमल करे तो न सिर्फ 2019 बल्कि 2024 में भी मोदी सरकार की जीत पक्की है। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में नारायण मूर्ति ने कहा कि मोदी सरकार को चाहिए कि वह देश में कारोबारी के लिए अच्छे दिन लाने के साथ साथ दुनिया भर से कारोबारियों को निवेश लाने का काम करे। असल में नारायण मूर्ति का कहना है कि आने वाले दशक में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है कि वह नए युग की टेक्नोलॉजी में निवेश और ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा महत्व दे। नौकरी सृजन को लेकर नारायण मूर्ति ने तो सरकार को सुझाव दे दिया है, अब बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो इस पर अमल करती है या नहीं।